लॉकडाउन के नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। स्टेनलेस स्टील कंपनी विराज प्रोफाइल लिमिटेड में हो रहा है मजदूरों की जान से खिलवाड़। महाराष्ट्र के बोईसर में 500 से 600 मजदूरों से जबरन करवाया जा रहा काम। प्रशासन की नाक के नीचे लॉकडाउन में भी धड़ल्ले से चल रही है फैक्ट्री। देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे प्रकोप के चलते पीएम मोदी ने 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया, जिसके चलते देश में सभी ऐसी कंपनियों, मिल, कारखानों को बंद करने का ऐलान किया जिनमें भारी संख्या में मजदूर काम करते हैं, और सिर्फ उन फैक्ट्रियों को काम करने की इजाजत है जिनमें रोजमर्रा की वस्तुओं का उत्पादन होता है। बावजूद इसके महाराष्ट्र के बोईसर में स्टेनलेस स्टील निर्माता कंपनी विराज प्रोफाइल लिमिटेड अपने 500 से 600 मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ कर उनसे जबरन काम करा रही है। ये वही महाराष्ट्र है जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा कोहराम मचाया हुआ है। जानकारी के मुताबिक कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक अपने HR टीम के साथ मजदूरों से मिलने गए और कर्मचारियों पर कंपनी चालू रखने और काम करने का दबाव बनाने लगे। ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि कंपनी के अधिकारी स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि जब देश में कोरोना रूपी वैश्विक महामारी तेजी से फैलती जा रही है तो ऐसे में कंपनी मनमानी करते हुए कैसे काम जारी रख सकती है, और भारत सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सिर्फ उन कंपनियों के काम को जारी रखने के लिए कहा है जो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली जरूरी वस्तुएं बनाती हैं। लेकिन विराज प्रोफाइल लिमिटेड कंपनी ऐसा कोई उत्पाद नहीं बनाती है जो लोगों की जिंदगी की जरूरी रोजमर्रा की वस्तुओं से जुड़ा हो। इसके बावजूद भी कंपनी में धड़ल्ले से काम जारी है, जिससे कोरोना वायरस के बढ़ने का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 500 से 600 मजदूर कंपनी में काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र को कोरोना वायरस धीरे धीरे अपनी जद में ले रहा है। सवाल ये भी है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में इस तरह की कंपनी में कोरोना वायरस और लॉकडाउन को नजरअंदाज करते हुए काम चल रहा है और वहीं प्रशासन इससे बेखबर है, या फिर जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर रहा है। इतने लोगों के एक साथ कंपनी में काम करने के बावजूद भी किसी को इसके कानो कान खबर नहीं है। क्या वहां के उच्च अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, या फिर वो मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं? अगर वहां का प्रशासन लापरवाही कर रहा है तो ये वहां के मजदूरों और देशवासियों की जान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। हमारे सूत्रों से हमें कुछ ऐसे वीडियो फुटेज मिले हैं जिनमें ये साफ देखा जा सकता है कि लॉकडाउन के दौरान भी किस तरह से फैक्ट्री में जबरन मजदूरों से काम करवाया जा रहा है। वीडियो में कितनी सच्चाई है, इसके लिए एबी स्टार न्यूज वीडियोस की प्रामाणिकता की गंभीरता से जांच कर रहा है।